सब्सक्राइब कीजिए रवि टेक्नोलॉजी टिप्स चैनल्स को टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल रवि टेक्नोलॉजी टिप्स में। आज मैं आपको थोड़ा बहुत ये जानकारी देने वाला हूं 1G 2G 3G 4G 5G क्या होता है, क्या मतलब होता है, कब ये लॉन्च हुए और इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, इनके बारे में कुछ आज आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट की दुनिया में 2G 3G 4G 1G का बहुत बड़ा योगदान है। जैसा कि हम जानते हैं कि जी का मतलब जनरेशन होता है, तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यह वायरलेस फ़ोन के लिए 1G सबसे पहली जनरेशन थी। ये 1980 में लॉन्च हुई थी 1G, और इसकी स्पीड लिमिट 2.4 KBPS थी। ये सबसे पहले अमेरिका में लॉन्च हुई की गई थी, और फ़ोन की बैटरी लाइफ काफ़ी ख़राब होती है, जैसे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। यही नहीं, इसकी वायरलेस क्वालिटी और सिक्योरिटी भी ख़राब थी, आप नीचे इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। फिर 1991 में 2G टेक्निक लॉन्च हुई, इसकी स्पीड 64 KBPS की थी, और ये सबसे पहले फिनलैंड में लॉन्च हुई। इन फ़ोनों में, जैसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं, फ़ोन्स में SMS, कैमरा, मेलिंग आदि सर्विसेज स्टार्ट हुई थी। फिर आई 2000 में 3G तकनीक आई थी। ये जो हैवी गेम्स, बड़ी फाइल्स और को ट्रांसफ़र करना, वीडियो कॉलिंग फीचर जैसे सर्विस दी जाने लगी, इससे स्मार्टफोन भी कहा जाने लगा। इसके बाद नए डाटा प्लान्स लॉन्च किए गए, जैसे आप ये फ़ोन्स तस्वीर में, और 2011 में लॉन्च हुई 4G टेक्निक। इसके ज़रिए यूज़र 100 Mbps यानी 1 Gbps की स्पीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3G से ज़्यादा महंगा था, हालांकि लुक के मामले फ़ोन में काफ़ी अंतर नहीं था, जैसे आप देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि 2020 तक 5G इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। इसकी कनेक्टिविटी और स्पीड में कोई लिमिट नहीं है, भविष्य को वायरलेस तकनीक होगी। 4G स्मार्टफोन में ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, जैसा आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें बताइए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपडेट के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।